नमस्कार, मैं राजू सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। यूपी के बुंदेलखंड के बांदा में दहेज लोभी ससुराल वालों ने फिर एक विवाहिता को फांसी पर लटकाकर मौत के घाट उतार दिया है। मायके पक्ष अनुसार हत्या के वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति और ससुराल वाले मौके से फरार हो गए हैं। मामला बिसंडा थाना क्षेत्र के बिलगांव के पूर्वा सब्दापुरा का है, जहां विनोद कुमार पत्नी 22 वर्षीय संगीता का शव उसके ससुराल से बरामद किया गया। मृतका का शव जमीन पर पड़ा था और गले में फांसी का फंदा कसा हुआ था। पड़ोसियों ने इसकी सूचना मृतका के मायके पक्ष को दी। मायके पक्ष ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के मायके पक्ष का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। पेश है बांदा से अरबाज खान की खास रिपोर्ट। उसके फांसी लगी थी, जब हमको 7 बजे आया फोन तो हम गए तो वो नीचे पड़ी थी। तो किसने लगाई फांसी? अब हमको ये तो पता नहीं है कि किसने लगाई फांसी। ससुराल वाले ने लगाया होगा, कौन लगाएगा? लड़की से कहता था कि दहेज कम मिला और अब भेजता ना था, कहते मायके नहीं जाना, जाना है तो 7 दिन को जाओ। दारू पीता था और जो है गाली गलू है वो करता। तो फांसी में बता रहे हैं लोग, हमको 7 बजे फोन किया है सुबह, अब हम जब गए थे तब जो है मतलब नीचे पड़ी थी, ऊपर कुंदा लगा था आटा लिया। तो नहीं, हमसे तो अनबन नहीं चलती थी, पर लड़की और लड़का से अनबन चल थोड़ा थोड़ा बताती थी कि मतलब मुझे मारता पीटता है और उनकी जो लड़कियां हैं तो ये मतलब सुनती नहीं है। हाँ, कई बार कहा है कि मुझे कुछ नहीं मिला, लड़की से कह रहा था, दारू पीता था, मारता था दारू पीकर, कई बार झगड़ा किया है बर्तन वर्तन धोने के लिए। जुराम से हम आए हैं और सप्तपुरा में लड़की ब्याही और उसने उसको फांसी में झुलाया गया, फांसी लगाई गई और इसके सिवा उसकी हाइट ज्यादा से ज्यादा 5.5 फुट थी, 5.5 फुट की हाइट में जो उसकी फांसी लगाई गई। अभी तो मांग लड़की बता रही थी कि जो हमको दहेज कम मिला, कई बार जो अपनी माँ से बोली, अपनी चाची से बोली, कई बार लड़की बताई कि इस लड़के ने मांग कर रहा है कि हमको दहेज कम मिला वो है, पर फिलहाल गाली देता था हर वक्त कि जाना है तो 7 दिन के लिए जाओ। दारू तो पीता था, बगैर दारू पिए हुए नहीं उसे कहता था, गोश्त मांस मछली बनाते थे और वो कभी खाती पीती थी नहीं लड़की, तो उसको यही कहते थे कि बर्तन धुलो। सरवाल वालों तो मारे दहेज को लेके, अब जैसे लेके दहेज को लेके ही तो मारे, चाहे दहेज के मामले में मानो चाहे क्या मानो। ठीक।